यशोमती मैया के नंदलाला। क्या लगता है तुझे, ये यंत्र वाला कंठक तुझे मुझसे बचा लेगा? कागज उसे सा बालक और इतना बल। मैया ने बड़े विश्वास से पहनाया है कागासुर, ऐसे थोड़े ही जाने दूंगा। उज्जवल, अब बात अच्छो बिखेरियो मत, नहीं तो ताई जी आके फिर से कान खींचेंगी तेरे। अब देख कैसे मैं तुझे इस पालने के साथ ही ले जाऊंगा तेरी मृत्यु के पास। सृष्टि का भार मैं उठाता हूँ और तुम मुझे उठाने का प्रयास कर रहे हो कागासुर, तुम्हारे साहस की प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। लल्ला के पालने पे दृष्टि रखियो। पालना बचाओ तब तो दृष्टि रखूं। लगता है अपने पंजों की धार बढ़ानी पड़ेगी मुझे। महाराज, आपने मुझे कहाँ भेज दिया? महाराज, गोकुल में जिस महाबली ने जन्म लिया है वो असुरों के लिए साक्षात यमराज है। महाराज, शक्तियों के बारे में पता तो नहीं चल गया? क्या बड़बड़ा रहे हो? स्पष्ट बोल। नीलमणि ने फेंक दियो ताई जी, कौवा उड़ गयो और पालना टूट गयो। क्या? अब तक तो उज्जवल ने मैया को सब बता दिया होगा। मैया आने वाली होंगी, पर वो इस पालने को ऐसे देखेंगी तो
जानवर को तो तूने मेरे प्राण ही निकाल दिए थे, किंतु जे पालने की दिशा किसने बदली? हाँ, जे तो सीधा रखा था ना? हाँ, जे टेढ़ा किसने कियो? बड़ा उपद्रव मचा के रखा है तूने। चल, तुझे घर छोड़ के आऊँ। आज बुरा फंसा ये। सब कहत है दादी के हृदय का टुकड़ा हो तो है पोता, पर आपको तो कुछ पड़ो ही ना। ऐसे कैसे कोई बच्चे को भूल कर आतो है? जीप तो देखो इसकी, कैसे कचर कचर चल रही है। बालक तेरो है कि मेरो? मेरो है, पर आपका पोता ना है। ध्यान देने के नाम पर आप तो दायित्व से। वो ये, अरे एक दूसरे को दोष देने से भूल सुधर ना जाएगी। आप दोनों मान क्यों ना लेते कि भूल दोनों ने की? आप दोनों को ही ध्यान ना रहो कि इसे आप इधर ही भूल गए हो। हाँ जसोदा, भूल तो हो गई है। जीजी क्षमा कर दियो। अरे मुझसे क्षमा मांगने से क्या होगा? हाँ क्षमा तो मांगनी होगी। अरे इसने इतनी शैतानी की है, इतनी शैतानी की है, पूरी रसोई अस्त व्यस्त कर दियो, पूरा पालना हिला के इधर से उधर कर दो। नाना मैंने ना करो ये सब, मैं सच्ची कह रहा हूँ, जिस कौए को भोजन खिलाया था उसी ने करो है ये सब। लो सुन लो, फिर बड़ी बड़ी हाँकने लगो, कच्छू मती बोल और डांट पड़ेगी तुझे। अरे बात तो सुन ले उसकी। हाँ लल्ला बोल। मैं सच्ची कह रहा हूँ अम्मा, अपनी आंखों से देखो है मैंने, वो कौवा बनकर आयो था और फिर राक्षस बनकर पूरा सामान गिराने लगा। ये बड़बोला स्वयं ही फंसेगा और मुझे भी फंसवाएगा। फिर भयभीत हुआ तू? जीजी आप भी क्यों इसे? ना ना मैं भयभीत नहीं हुआ, मैंने उसे रोक दियो। मैंने कही इतने सारे बर्तन गिरा दिए तूने, इतना साहस तेरा, और वो घबरा कर रुक गए हो, और फिर आप भीतर आ गई ताई जी और वो कौवा बनकर उड़ गए हो। क्यों ऐसे कथा बनाते हो लल्ला? तभी तो सब तुझे महाबड़बोला बुलाते हैं। विश्वास करो मैया, मैं महाबड़बोला नहीं हूँ, वो नीलमणि महाबली है। हैं? हाँ ताई जी, जब रसोई घर से निकलकर उस कौवे ने नीलमणि पर आक्रमण करो तो जो हमारे महाबली ने जो उसको आसमान में फेंको है, सीधे द्वार के पास मथुरा पहुंच गए होगो। एक तो इसे भूल गई, उस पर से हंस रही हैं दोनों, हैं? सुमति संतान का मूल्य जानती है? हाँ? एक संतान को पाने के लिए मैया कितनी जतन करती है पता है तुझे? जे कान बरसों तरसते हैं मैया स्वर सुनने के लिए, तब जाके जे सौभाग्य मिलतो है। और संकरी मौसी आप तो जानती हो ना संतान का महत्व, फिर भी भूल गई इसे? ऐसे पालन पोषण करते हैं क्या अपने बालक का? अच्छा अब ध्यान रखना। हाँ प्रणाम पंडित जी। नारायण नारायण। नारायण नारायण पंडित जी। मैं सोच ही रही थी जन्म नक्षत्र उत्सव का मुहूर्त पूछने के लिए आपको बुलावा भिजवा दूं। मैं उसी के लिए आया हूँ रानी जी। अच्छा जसोदा हम चलते हैं। क्या जे आपका सुपुत्र? वाह रे मैया। उठ 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 उठ
देखो मूर्ख, जाने से पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अयोग्य कहीं का। महाराज ने अपने शत्रु को मारने के लिए जिस असुर को भेजा था वो उनके दरबार में आकर गिरा है, बहुत घायल है बेचारा। स्वामी, स्वामी हमारे देवकी, धीरे बोलो। हमारे पुत्र ने कागसुर को हरा दिया स्वामी। मैंने पहले ही कहा था देवकी, उसे कुछ नहीं होगा। आपने सही कहा था स्वामी, मुझे आप पर और भगवान श्री नारायण पर विश्वास रखना चाहिए था। मेरे माता पिता की गुप्तचरी करना इतना आसान नहीं है। कंस चाहे कुछ भी कर ले परंतु मैं ये कह रही थी स्वामी कि कंस चाहे कुछ भी क्यों ना करे परंतु वो है तो मेरे भैया ही ना, वो हमारे बारे में अवश्य ही सोचेंगे, आज नहीं तो कल वो अपनी प्रिय बहन को हृदय से लगा ही लेंगे। सही कह रही हो प्रिय। आपकी आशंका सही थी महाराज, कोई तो है यहाँ पर, कहीं वो मायावी विष्णु तो नहीं। उत्कच, तुम कितने वर्षों से दिखाई ही नहीं दिए। वायु का तन है, दिखना कठिन है, कहीं आने जाने के लिए किसी जड़ या चेतन वस्तु का सहारा लेना पड़ता है महाराज। लगता है मैं यहाँ सही समय पर पहुंचा हूं। बहुत कुछ हो रहा है महाराज यहाँ। क्या क्या कहना चाहते हो? संसार में जो आपको सबसे अधिक प्रिय थी, आपकी बहन आपके ही महल में बंदी है। मायावी कगासुर दरबार में बेहोश पड़ा है और गोकुल का वो बालक आपका शत्रु आज भी जीवित है। अरे चिका करो लल्ला, इससे खेलने में समय है तुझे अभी। पंडित जी जी गणना के अनुसार जन्म नक्षत्र के पूजा उत्सव के लिए कल का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है, तो आवश्यक वस्तुओं की सूची बना देता हूँ। कल का मुहूर्त? नाना पंडित जी, कल तो बहुत शीघ्र हो जाएगा, उत्सव तो बड़ा होना चाहिए ना, इतनी सारी तैयारी करनी है, कल तक तो ना हो पाएगी। आप तो ना दो चार दिन बाद का मुहूर्त निकाल ना। पंडित जी, यदि कल का मुहूर्त शुभ है तो हम ये पूजा कल ही करेंगे।
हर कार्य को बड़ा करना आवश्यक थोड़ी ना, निकट के मित्र संबंधियों के साथ कर लेंगे। किंतु पंडित जी, आप सूची बना दीजिए, कल सारी तैयारी हो जाएगी। तैयारी के साथ ही आते हो, पूरी जांच पड़ताल के बाद सारी सूचना इकट्ठी करके। उत्कच, तुम्हारी ये बात हमको बहुत अच्छी लगती है, पर आपको ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा महाराज कि आपकी बहन और आपका बहनोई आपसे कुछ छुपा रहे हैं। उस विषय में चिंता मत करो, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे भीतर गोकुल जाके नंद के उस दुष्ट शिशु के प्राण लेने का सामर्थ्य है भी या नहीं। वो कोई साधारण शिशु नहीं है। चुप, मूर्ख। अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करने में मेरा क्या लाभ महाराज। इतना दुस्साहस, ये मत भूलो कि तुम अपने महाराज से बात कर रहे हो। सदैव ही लेन देन का व्यापार करते आए हो, उचित है। बताओ क्या चाहिए। अधिक कुछ नहीं महाराज, बस एक रथ, ताकि मुझे कहीं आने जाने में समस्या ना हो। एक सेवक, ताकि मुझे कोई श्रम ना करना पड़े। एक अच्छा सा घर, जिसमें मैं बिना किसी व्यवधान के शांति से निवास कर सकूं। बस, मैं तुम्हें घर नहीं, भव्य महल दूंगा। सेवक सेविकाओं की सेना तुम्हारे आगे पीछे नृत्य करेंगी, और यात्रा के लिए होंगे एक से बढ़कर एक उत्तम घोड़ों से सुसज्जित रथ। तो बस महाराज, समझ लीजिए आपका कार्य हो गया। उतना सूक्ष्म बुद्धि मैं, और अब तुम। उस विष्णु अवतार का सामना करना आसान नहीं है उत्कच। पराजय बहुत कुछ सिखाती है, और ये मूर्ख उचित कह रहा है। ये भूल रहा है महाराज कि मैं अन्य किसी की तरह नहीं हूं कि कोई हाथ बढ़ाए और मुझे पकड़ पाए। आप स्वयं विचार कीजिए, आपका शत्रु जिसे देख नहीं पाएगा उसे हानि कैसे पहुंचाएगा। मेरे उपहारों का प्रबंध करना आरंभ कर दीजिए महाराज। अब मैं उन्हें तभी लेने आऊंगा महाराज, जब शिशु के रूप में आपकी समस्या जड़ से समाप्त हो चुकी होगी। यशोदा, पूजा के लिए रोली मोली तो है ना घर पे? आपको ही पता होगा। और धूप बत्ती वो तो होगी ना? आपको ही पता होगा। भोग के लिए प्रसाद वो तो बन जाएगा घर पे? आपको ही पता होगा। यशोदा क्या कर रही हो, सहायता ना करोगी? आपने ही तो कही थी पंडित जी को कल तक सारी तैयारी हो जाएगी, तो कर लो आप, मुझे क्यों बोल रहे हो? वैसे रूठी हुई भी बहुत अच्छी लग रही हो तुम। रूठी कहाँ हूँ, कल ही की व्यवस्था कर रही हूँ। कोई नई पोशाक दिखाई ना दे रही, कल क्या पहनाऊंगी इसे? पंडित जी थे सामने, इसीलिए तर्क वितर्क ना करो। मैंने सुनो जी, मैं कह देती हूँ, अपने लल्ला का जन नक्षत्र उत्सव बड़े धूमधाम से मनाऊंगी मैं। हाँ नहीं तो। यशोदा, उत्सव से भी अधिक महत्वपूर्ण है पूजा। पूजा हमारे लल्ला के हित के लिए कर रहे हैं ना, कुछ निकट के मित्र संबंधियों के साथ कर लेंगे बस। कैसे कैसे करेंगे आप? जे मोर मुकुट के अतिरिक्त कुछ भी नया ना है लल्ला के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अपने हाथों से बना हुआ मैंने। तो बस, और क्या चाहिए? अब फंस गए।
साई बाबा। ये क्या करो आपने? एक मोर पंख भी ना संभाला जा रहा है आपसे, आप लल्ला को क्या संभालोगे? एक मोर पंख के लिए इतना क्रोध? अब आप सब छोड़ो और जाओ, अभी नया मोर पंख लेके आओ मेरे लल्ला के लिए, और वो भी वो मोर पंख जो अभी अभी मोर ने गिराया हो। अब आप देख क्या रहे हो, जाओ ना अभी। हाँ अभी, टूटा हुआ मोर मुकुट थोड़े ना पहने को मेरा लल्ला अपने उत्सव पर। पहले पूजा की सामग्री का प्रबंध कर लूं, ये पूजा की सूची अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक महत्वपूर्ण? कहना क्या चाहते हो आप? मेरे नीलमणि के मुकुट का पंख महत्वपूर्ण ना है? यशोदा, इतने कम समय में बिल्कुल नए मोर पंख का प्रबंध मैं कहां से करूंगा? कहां से क्या, आप सीधे बन जाओ, वहां कोई ना कोई मोर नाच ही रहे होंगे, एक आधा नया मोर पंख अवश्य मिल जाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो, कि मैं एक मोर पंख के लिए पूरा बन छान मारूं? और नहीं तो क्या, पुरानी रीत है जी, प्यासा ही कुएं के पास जातो है, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता। आप दोनों फिर से झगड़ा मत करने लगना, बाबा संभालो ना। अच्छा अच्छा, मैं चला जाऊं, पर पहले पूजा की तैयारी तो कर लूं। वो सब मैं ना जानती, मुझे कल उत्सव के पहले नया मोरपंख चाहिए, कल कोई एक नई वस्तु तो हो मेरे लल्ला के पास। ये समझ ना रही, नीलमणि की सुरक्षा के लिए उत्सव आवश्यक ना है, जन्म नक्षत्र की पूजा है, क्योंकि पूतना की घटना के बाद से हमारे लल्ला पर कंस की भी दृष्टि होगी। हे नारायण, रक्षा करियो। लगता है मक्खी थक गई है, कोई और साधन ढूंढना पड़ेगा। मेरा सकट, मेरी मृत्यु के लिए यमदूत बनकर आ रहे हो शकटासुर, आओ प्रतीक्षा तो मुझे भी है तुम्हारी।